हेलो फ्रेंड्स, विशेष इन्फोटेक की टुडे लेटेस्ट अपडेट में बात करेंगे हम इसके एनएससी पे जो लोअर सर्किट लगा है उसकी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ की बात करने वाले इस वीडियो में। तो अब ये चलते हैं हम डायरेक्ट स्लाइड के ऊपर। एंड यदि आज का प्राइस चेक करें तो एक रुपए पे लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे एनएससी पे अपने लोअर सर्किट पे बंद होने को दिखा है डायरेक्ट। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो एक रुपए पाँच पैसे पे कल के दिन क्लोजिंग हुई थी, उसी के साथ एक रुपए पाँच पैसे पे सुबह ओपन भी होता है। देन फिर यदि बात करें तो एक रुपए पाँच पैसे एंड एक रुपए के प्राइस वन में फंसा रह जाता है ट्रेडिंग टाइम पे, तो एक रुपए के साथ बंद होने को लोअर सर्किट में दिखता ही दिखता है। उसी के साथ यदि हम बात करें इसके टेक्निकल एनालिसिस की तो एक रुपए का प्राइस इस समय चल रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया। उसके साथ यदि 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज चेक करें तो एक रुपए 13 पैसे एंड 71 पैसे 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज काफ़ी ज़्यादा नीचे है। यदि उसकी बात करें तो वो थोड़ी यहाँ पे आपको नज़र आएगा ब्लैक लाइन से, ये जो ब्लैक लाइन है ये आपको यहाँ पे नज़र आएगी क्योंकि ये काफ़ी नीचे है, क्योंकि प्राइस काफ़ी तेज़ यहाँ पे फ्लक्चुएट कर चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नवंबर 2021 नवंबर की डेट को, यहाँ पे नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन किया था। 5 पैसे से भागा हुआ शेयर 1.65 रुपए 1.70 रुपए के अराउंड जा पहुँचा था। तो इसीलिए 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ग्रो किए हुए थे। उसके साथ यदि अभी टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो अपने 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे आ ही चुका है प्राइस। यदि आप पर्पल लाइन की बात देखें तो पर्पल लाइन यहां पे 1 रुपए पे जो प्राइस की लाइन है, 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो 1.13 रुपए पे, तो इसका मतलब है ये यहां पे शॉर्ट टर्म बियरिश मोड में। जैसे ये येलो लाइन को यहां पे प्राइस काटता है, प्राइस का मतलब पर्पल लाइन जैसे येलो लाइन को काटती है, यदि प्राइस 1.13 रुपए के ऊपर जाता है इस टाइम तो वहां से एक अच्छी तेजी की संभावना बनती रहती है। बका यदि हम बात करें तो ये जो लाइन है येलो लाइन 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, ये हमेशा टाइम टाइम यहाँ पर चेंज होती रहती हैं। जैसे ही प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वैसे ये चेंज होती रहती है, काफ़ी सारे टेक्निकल्स पे ये चलते रहते हैं। एंड उसके साथ यदि आज के वॉल्यूम की बात करें तो आज के दिन 5 करोड़ शेयरों की क्वांटिटी का वॉल्यूम देखने को मिला है। यदि हम कल की बात करें तो कल के दिन भी सेम वॉल्यूम, लगभग समान वॉल्यूम इसमें काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है। उसके पहले 1 वीक के एवरेज में 6 करोड़ क्वांटिटी का वॉल्यूम आया था। एंड यदि उसके भी पहले बात करें तो 6 करोड़ की क्वांटिटी का वॉल्यूम 1 मंथ के एवरेज में सो रहा है। यदि डिलीवरी बेस पर बात करें तो कल के दिन तो एक अच्छी डिलीवरी 67% की डिलीवरी उठाई गई थी। एंड यदि अभी भी डिलीवरी की बात करें तो आज भी एक अच्छी डिलीवरी उठाई जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट एनएससी बीएससी की साइट पर डिलीवरी पैटर्न चेक करने। तो अभी हम आ चुके हैं यहां पे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, 46% की कंटिन्यूअसली यहां पे कमी डिलीवरी उठाई जा रही है बीएससी पे। बट यदि एनएससी का डाटा चेक करें तो यहां पे थोड़ी ज्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। यदि आप चेक करें 96% से ऊपर की ज्यादा यहां पे डिलीवरी उठाई गई है एनएससी पे, तो जरूर यहां पे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। लगातार अपनी गिरावट के कारण यहां पे वी शेप रिकवरी कभी भी ये शेयर यहां पे ले सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी डिलीवरी उठना कोई भी शेयर के लिए यहां पे पॉजिटिविटी तो खबर होती है, साथ में एक पैटर्न चेंज होने का भी यहाँ पे अंदेशा लगाया जा सकता है। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें इतनी बड़ी डिलीवरी देख के मिलता है। उसी के साथ यदि बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा के शेयरों की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है। एंड यदि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी 1.31 करोड़ की यहाँ पे उठाई गई, तो 3.40 करोड़ के अराउंड की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है। एंड जो पिछले डाटा से यहाँ पे मैच ही कर रहा है, क्योंकि 3 करोड़ का यहाँ पे दिखाया गया, बकाया 40 लाख का नहीं दिखाया जाता है क्योंकि ये सब यहाँ पे नहीं चलते हैं। 3 करोड़ 4 करोड़ आप एक समझ सकते हैं पॉइंट में नहीं चलता है यहाँ पे। एंड यदि डिलीवरी की आज की बात करें तो यहाँ पे तो 67 थी कल के दिन, बट यदि आज की बात करें तो 46 यहाँ पे है एंड यहाँ पे 96। तो यदि हम इसका एवरेज निकाल के देखें तो ये भी एक अच्छी डिलीवरी यहाँ पे सामने निकल के आएगी, लगभग 70% के अराउंड की डिलीवरी होगी, क्योंकि यहाँ पे एनएससी का डाटा भी यहाँ पे थोड़ी बीएससी से बड़ा ही है। यदि आप बीएससी का डाटा देखें तो 2.85 करोड़ एंड लगभग सेम है, तो इनका एवरेज यदि निकाला तो 70% के अराउंड का निकल के आएगा, जो एक अच्छी डिलीवरी यहाँ पे मानी जा सकती है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे पॉजिटिव हमें इसमें होके लेना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस में, जैसे कि समझ में आ रहा है। उसी के साथ यदि हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में 1.03 रुपए पर शेयर लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर बंद होने को दिखा है। ए एस एम स्टेज वन में लगातार ये शेयर यहाँ पर देखने को मिलता है, लगातार सेवी की रिस्ट्रिक्शन लग जाने के कारण ए एस एम स्टेज वन में यहाँ पर देखने को मिला है। उसके साथ यदि जैसे ही इसमें यहाँ पर सेवी की रिस्ट्रिक्शन हटती है तो वहाँ से एक अच्छी तेज़ी, मतलब ए एस एम से जैसे ही बाहर होता है फिर देन वहाँ से एक अच्छी तेज़ी इसमें देखने को आपको आगे मिल सकती है। यदि 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक इसका जो हाई है वो 1.37 रुपए है, 52 वीक लो की बात करें तो 19 पैसे का इसने लो बनाया था, काफ़ी समय पहले बन गया था वो। यदि प्रॉस की बात करें, कंपनी के प्रॉस की, तो डेप्ट फ्री कंपनी यहाँ पे रहने वाली है, ये इसके प्रॉस कुछ निकल के आ रहे हैं एंड बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है।
तो ये इनके कुछ यहाँ पे प्रोस निकल के आते हैं। और इसी के साथ यदि हम कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी इसका एक कॉन्स है। प्रोमोटर की होल्डिंग लगातार डिक्रीज करना, ये इसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्स है। एंड उसी के साथ यदि थर्ड कॉन्स की बात करें तो लगातार पुअर सेल्स ग्रोथ देना, माइनस के 73% से ज़्यादा की यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स से यहाँ पर पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई जा रही थी, ये इसके लिए नेगेटिविटी है। प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम होना, ये अलग से इसकी एक नेगेटिविटी है। एंड उसी के साथ कंपनी हैज लो रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये भी लगातार 3 साल से नेगेटिव में बनी हुई है, तो ये भी इसके लिए थोड़ी सोचने वाली बात है। एंड डेप्टेड इज, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक इनका बकाया रहता है कर्जा, तो वो इनके लिए काफ़ी बड़े कौन से यहाँ पर सामने निकल के आ रहे हैं। एंड यदि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एएमओ सेक्शन, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करके पहले बता दे रहा हूँ, मैं डेली नहीं बताता हूँ, आज ही आप यहाँ पर सुन लीजिए। एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसका टेक्निकल एनालिसिस ये होता है, जो भी यदि इसमें बाइंग के लिए कोई क्वांटिटी लगी होती है तो वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे गैप अप ओपनिंग, मतलब जो ओपनिंग है वो थोड़ी ऊपर ही होगी, कोई भी प्राइस के ऊपर ओपनिंग होगी। जैसे ₹1 कोई शेयर चल रहा है यहाँ पे बेसिस इन्फोटेक, तो इसकी ओपनिंग यहाँ पे ₹1.05 पे एक्सपेक्ट की जा सकती है, यदि यहाँ पे एएमओ सेक्शन में कोई भी शेयर यहाँ पे बाइंग के लिए ज्यादा क्वांटिटी यदि लगी हुई है। उसी के यदि हम अपोजिट में देखें, यदि सेलिंग के लिए क्वांटिटी लगी हुई है तो वो वहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे गैप डाउन ओपनिंग में आपको यहाँ पे दिख सकता है। गैप डाउन ओपनिंग मतलब यदि शेयर का प्राइस ₹1 चल रहा है तो वो 95 पैसे पे आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में ओपन होने को दिख सकता है। तो शायद आपको यहाँ पे पिक्चर समझ में आ गई होगी क्या होता है एएमओ सेक्शन। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को यहाँ पे लाइक तो कर ही देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड वही यदि देखें यहाँ पे तो 23 लाख से ऊपर की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग के लिए ₹1 पे लगी हुई है, जो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे थोड़ी सा बाइंग प्रेशर बना के जरूर दे सकती है। एंड बाइंग प्रेशर मतलब है ₹1.05 पे शेयर का प्राइस यहाँ पे ओपन होने को आपको एनएससी में दिख सकता है। उसी के साथ यदि हम बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की, तो प्राइस परफॉर्मेंस भी इसका बहुत अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से आपको ये शेयर यहाँ पे ₹1 बना के दे सकता है। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको 1 ईयर एंड 3 ईयर में यदि आप यहाँ पर रिटर्न चेक करें 1 ईयर एंड 3 ईयर के, तो 1 ईयर के जो रिटर्न है वो 1900%। आप समझ सकते हैं कितने बड़े रिटर्न इसने बना के दिए, क्योंकि मैं लगातार आपको बताता रहा हूँ ये यहाँ पर 0.05 पैसे से भागा हुआ शेयर इस समय ₹1 के ऊपर है, तो रिटर्न तो ऐसे बनते ही बनते हैं। 1900% से ऊपर के रिटर्न जो भी पेनी स्टॉक होते हैं वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे वर्क करते हैं, तो ये शेयर भी यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का शेयर है। एंड यदि आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, आपके पास है तो आप यहाँ पे अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से ही खरीदिए। एंड मैंने आपको पहले बता दिया हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड भी है, 1900% के रिटर्न 1 ईयर एंड 3 ईयर में बना के दे चुका है। वही यदि YTD की बात करें, ईयर टू डेट 1 जनवरी से अभी तक 42% के रिटर्न, बकाया के रिटर्न इसके नेगेटिव में, 1 वीक 1 मंथ एंड 3 मंथ के रिटर्न थोड़ी नेगेटिव में, बकाया लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से ठीक ठाक शेयर है। तो आप अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बकाया आप उतना इन्वेस्ट कीजिए जितने की आपकी रिस्क कैपेसिटी हो। बकाया अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।